अलीराजपुर, झाबुआ और सागर यहाँ पर आगरमालवा में, इसके साथ ही पिटलावद, मेघनगर भी। तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से कल हम इंदौर गए थे और हम जिक्र कर रहे थे कि वहां की जो रिपोर्ट जो गई है और उसके बाद वहां पे क्या नतीजा रहेगा उन रिपोर्ट्स का, और तो अभी हाल ही में जो अपडेट्स हैं उन रिपोर्ट्स की, उन रिपोर्ट्स को देख के, उन आंकड़ों को देखकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज के आंकड़े तो बहुत ही मतलब चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जैसा कि अपने को लग रहा था, अभी इस बात का भी अभी स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, न जानकारी मिली है कि जो 1182 1192 इंदौर से जो दिल्ली भेजे गए थे सैंपल, उनकी रिपोर्ट है कि नहीं है। अचानक 98 98 पॉजिटिव इंदौर में मिल गए और इसी तरह भोपाल में 20 पॉजिटिव मिल गए। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। जो सैंपल है, ये जो लोग मिले हैं 98, वो किन किन के संपर्क में रहे होंगे, अब उनके संपर्क उनको लोग लेकर के फिर से सैंपल भेजे जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि इंदौर की स्थिति पूरे देश में शहर के हिसाब और आबादी के हिसाब से सबसे भयावह स्थिति हो गई है, और ये हार्ट नहीं, बहुत ही हार्ट सिटी में से गिना। और जो मंदसौर और नरसिंहगढ़ जो है वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ एक एक हो गया। हाँ, वहाँ भी एक एक हुआ है, लेकिन भोपाल और इंदौर तो चौंकाने वाले हैं। भोपाल में 20 होना और इंदौर में 20 है या 12 है, 12 है तकरीबन, 30 से ऊपर ही यहाँ वहाँ पर, और 98 वहाँ होना, ये अपने आप में बहुत, कुल मिला के 126 पूरे प्रदेश में एक साथ पॉजिटिव आज पाए गए, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ निर्मल सिंह बैस भी जुड़ गए हैं भोपाल से और विकास सिंह सोलंकी संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे उसी रिपोर्ट्स का, क्या वाकई इसमें सत्यता कितनी है, कुछ जो रिपोर्ट आई है या उसी के ये नतीजे हैं, या फिर जो और जो वहां पे जो शहर स्तर पर रिपोर्ट्स भेजी गई थी जांच के लिए, उनके आंकड़े हैं, क्या ये आंकड़े हैं, क्या कहते हैं? विकास, एक सवाल ये, सबसे पहले ये स्पष्ट चाहेंगे कि जो दिल्ली भेजी गई थी 1182 सैंपल विशेष विमान से, ये उनके रिजल्ट है, उनके परिणाम है, या कोई और कहीं से और जो सैंपल इंदौर और अन्य जगहों पे हो रहे हैं उनके हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो आज हम बात करें इंदौर में 24 घंटे के अंदर, तो 90 तरीके सैंपल जो है पॉजिटिव पाए गए। अगर बात करें रिपोर्ट की, तो ये इंदौर के अंदर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर जो जांच की जाती है विमान के द्वारा, दिल्ली जो रिपोर्ट पहुंचा गई थी उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अगर बात करें इंदौर की आंकड़ों की, तो 411 के करीब यहां पर पहुंच गए, और मैं आपको बताना चाहूंगा उन केंद्र फिर से बताएं कितना पहुंच गए, कितना पहुंच गए इंदौर में? 411 के लगभग पहुंच गए हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा उन क्षेत्रों के नाम जहां से निकल रहे हैं। अगर बात की जाए जवाहर मार्ग की, सागर रोड की, सिलावतपुरा, चंदन नगर, उदयपुरा, टाटपट्टी बादल, जूनी कतेरा, जूनी इंदौर, शिवाजी नगर, टाई अपार्टमेंट, पुरानी कॉलोनी, मणिक बाग, चंदन नगर, आजाद नगर, तो यहाँ के जो 8 पेशेंट 83 लोग पाए गए हैं पिछले 24 घंटे, ये इन क्षेत्रों के नाम से। वही अगर बात की जाए तो जो दिल्ली से रिपोर्ट आना बाकी है वह अभी बाकी है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। वही अगर लापरवाही की बात करूं तो इंदौर के अंदर लगातार लापरवाही भी देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी जो इंदौर के MRTB अस्पताल के अंदर जो नर्सेस काम कर रही है, जो COVID-19 के पेशेंट, उन्होंने आरोप कहीं ना कहीं MY अस्पताल पर लगाया, प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल के प्रबंध पर वो आरोप लगा करे, तो उनको सुगौगंज स्थित एक निजी होटल में रखा गया था, और उसी नर्सिंग स्टाफ में 30 स्टाफ में से एक व्यक्ति की आज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उसका नर्सिंग जो स्टाफ है उनका गुस्सा मीडिया के सामने फूट पड़ा, और उन्होंने आरोप यही लगाया है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर बात करें दो PPE किट दी जा रही है, वही जो उनके लिए खाने की बात है तो खाना भी उनके लिए जो मरीजों को दिया जाता है और एम्बुलेंस में रखकर खाना पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी इंदौर के अंदर चरम पर है। जी विकास, ये जो आपने कॉलोनियां बताई, ये किस तरह की कॉलोनी है? क्या ये निचले स्तर के लोग जो स्लम है कहलाते हैं वो है,
कौन सी कॉलोनियां हैं, आबादी है कितनी है इनकी और किस वर्ग से है ये? जिनके कॉलोनी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव मैंने बात की है अल्पसंख्यक एरिया जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जहाँ निवासरत रहते हैं वहां तक अभी तक सीमित था, लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर के आसपास की तहसीलों में भी या आसपास के क्षेत्रों में भी जो विधानसभा है जैसे राव क्षेत्र है, राव क्षेत्र की कॉलोनी के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव मिला रहा है। वही इंदौर की जो बात क्षेत्र है मऊ के अंदर से भी आज 6 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, जो सावेर है जो तहसील सावेर है वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अगर बात की जाए तो श्रम एरिया के क्षेत्र है उनके अंदर ही, वही इंदौर के अगर एरियो की बात की जाए तो इंदौर जो पुराना इंदौर कहा जाता है राजवाड़ा या आजाद नगर चंदन नगर इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में या बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं यह मरीज वही है जो पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे, उनके संपर्क में या तो उनके परिजन या तो उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त या आस पड़ोसी उन्हीं की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जा रही है। विकास, ये जो साहब ने बताया कि इंदौर में जो सैंपल लिए गए हैं उनमें से कितने सैंपल लिए गए थे? उसमें 98 आपने बताया ना, 98 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 84 24 घंटे के अंदर जिससे 83 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कितने? 82 की बात जिक्र कर रहे हैं क्या आप विकास जी? 82 83 तो ये जो एक रिपोर्ट आ रही है कि 98 पॉजिटिव आ गए, इसे पूछ लेते हैं विकास आप हमारे साथ रहिए एक बार, निर्मल से पूछ लेते हैं। हाँ। निर्मल, जैसा कि विकास कह रहे हैं जो हम लोग के साथ पास रिपोर्ट आई है उसमें 98 बताए गए हैं, लेकिन उनका कहना है विकास का कि इंदौर में 83 है। जी देखिए, इस मामले में चूंकि ये जो बयान है ये स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई ने जाहिर किया, बयान जारी किया है, चूंकि ये क्या जारी किया है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, और इस पे चूंकि उन्होंने अधिकृत बयान जारी किया है इसलिए संशय कम होता है। उनके मुताबिक 1171 सैंपल में से 126 पॉजिटिव पाए गए और इनमें से 98 इंदौर, 20 भोपाल, 1 उज्जैन, 2 बड़वानी, 1 टीकमगढ़, इस तरीके से पॉजिटिव केसेस आए हैं और पहला केस जो है टीकमगढ़ में पॉजिटिव मरीज का आया है। तो उनके मुताबिक जो आप संख्या पूछ रहे हैं इंदौर की अगर पूछ रहे हैं तो 98 है, 171 सैंपल में से 98 जो मरीज हैं पॉजिटिव पाए गए हैं वो जो है इंदौर के हैं। जी विकास के पास चलेंगे, जानना चाहेंगे बिल्कुल ऑनलाइन से कि क्या गड़बड़ कहाँ हो रही है। हाँ, आखिर आंकड़े मिल क्यों नहीं रहे? वो भी क्या वहाँ भी मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ होगा जिसके अनुसार हाँ, ये बता रहे हैं क्या? तो संपर्क करने की कोशिश की जा रही है सर, लेकिन एक बार फिर निर्मल के पास ही चलते हैं। निर्मल, और क्या आज का क्या रिपोर्टर की जुबानी में और क्या जुबान में है आपके? देखिए, जो कोरोना का कहर है वो आशा और निराशा दोनों के बीच जो है इस समय द्वंद्व कर रहा है, और कुछ अच्छी खबरें हैं कुछ बुरी खबरें हैं। बुरी खबरें मतलब जिस तरीके से जो है रेट ऑफ पॉजिटिव मरीज बढ़ रहा है वो है, और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 111 से 171 में से अगर 126 मरीज पॉजिटिव आते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, ये एक सबसे बड़ी राहत की बात है। 10% से कुछ अधिक ही ये प्रतिशत होगा मेरे ख्याल से, तो ये एक राहत की बात है। इसके अलावा अच्छी बातों की अगर पहले बात कर ली जाए तो अब तक जो है जो चिरायु मेडिकल कॉलेज है भोपाल का, जो कि कोरोना के लिए ही अब पूरी तरह से बन गया है फिलहाल उसके लिए टेम्परेरी तौर पे, तो 5 दिन बाद 27 मरीजों की यहाँ से छुट्टी की तैयारी की जा रही है, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अब तक जो है 51 मरीज कोरोना पॉजिटिव जो थे वो अस्पतालों से अपना इलाज कराकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं। इसके अलावा अगर भयावह चीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर है। निर्मल, एक मिनट रोके, हम आपके पास विकास फिर से गए हैं। विकास, यहाँ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, जो बयान जारी किया है, उसमें ये बताया गया है कि 98 यानी 98 इंदौर में पाए गए हैं और आप कह रहे हैं कि 83 है। 83
जी बिल्कुल, इंदौर पीएचओ को जो पहले जो प्रारंभिक मिली थी, पहले कहा गया था कि 91 लोगों को ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन जो इंदौर के स्वास्थ्य विभाग के जो पीएचओ है डॉक्टर प्रवीण कुमार जड़िया, उन्होंने अपने बाइट में कहा है कि जो लोग डबल जो थे जिनकी रिपोर्ट जो है डबल आ गई थी उसी की टेस्टिंग की गई थी, उसके बाद जो आंकड़े उन्होंने बताए थे 83 मरीजों को पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अगर बात की जाए भोपाल और इंदौर के बुलेटिन की, तो जहां भोपाल से जो बुलेटिन आता है उसके आंकड़े लगातार देखने में आ रहा है कि अलग आते हैं, और इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो बुलेटिन जारी करता है उसके आंकड़ों के अंदर भी लगातार अंतर देखने को मिल रहा है। ये पिछले कई दिनों से हो रहा है कि भोपाल का जो बुलेटिन जारी होता है उसमें आंकड़े अलग होते हैं, और इंदौर का एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो आंकड़े जो बुलेटिन जारी करता है उसके आंकड़े जो है लगातार अलग रहते हैं। तो ये विकास, ये कहा जाए कि कुछ नाम रिपीट हो गए थे उसमें? जी बिल्कुल, जो 91 की बात कही जा रही थी, जो डॉक्टर हमें सीएसओ में डॉक्टर प्रवीण कुमार जडेजा ने बताया कि कुछ नाम रिपीट हो गए थे, उसकी जांच दोबारा करवाई गई नामों की, उसके बाद जो सीएसओ है उन्होंने जो कहा था कि 83 जो मरीज है उनकी पॉजिटिव की पिछले 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी चलिए विकास, आप भी, और स्थिति क्या है, क्या वहाँ कुछ किराने का सामान कहीं मिल रहा है या नगर निगम ही उपलब्ध करा रहा है, और उपलब्ध करा रहा है तो क्या सबको मिल पा रहा है सही ढंग से? जी बिल्कुल, अगर किराने के सामान की बात की जाए तो इंदौर नगर निगम ने तो लगातार जो रोजाना जो व्यवस्था है उसमें सुधार कर रही है। अगर बात करें तो पहले जो डोर टू डोर जो कचरा वाहन है उसके जरिए जो लिस्ट दी जा रही थी उसको लोगों तक पहुंचाने में 2 से 3 दिन लग रहा था, लेकिन आज ही निगम आयुक्त जो आसिफ सिंह है उन्होंने 1 दिन के भीतर जो जो लोग जो है वो जो सामान की लिस्ट देंगे उसके अंदर उन्हें 1 दिन के भीतर ही जो सामान है उनका जरूरत का सामान वो मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी लगातार जो किराना की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करने की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर बात करें तो इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी यही कहा है कि जो लोगों की जरूरतमंद का सामान है, चाहे वो किराना का सामान हो या दूध का सामान हो, उसे प्रशासन लोगों तक पहुंचाने में काफी मदद करेगा। वही अगर बात करें जो एरिया है, अगर इंदौर के अंदर बात की जाए तो 100 से ज्यादा ऐसे एरिया जो संक्रमित क्षेत्र के एरिया पाए गए उनके 3 किलोमीटर के पूरे दायरे को जो है प्रशासन ने सील कर दिया। वहां के जो रहवासी है उन तक भी जो प्रशासनिक अधिकारी है कर्मचारी है रोजाना जो उनकी जरूरत का सामान है पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, और कई समाज सेवी संस्थाओं को भी इसके लिए जोड़ा गया है। इंदौर नगर निगम ने एक किराने की जो पैकेज बनाया है जो 500 रुपए के अंदर इसके अंदर 1 किलो प्याज, आधा किलो आलू, तेल, नमक, शक्कर, जो जरूरत का सामान है उसका 500 रुपए का एक पैकेज बनाया है और वो घर घर पहुंचाने में काम कर रहे हैं। जी सर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। लेकिन इन्हीं जो रिपोर्ट्स में सर, एक जैसे कि 2 नर्स बताई गई हैं, 1 स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं, साथ ही साथ 1 DIG ऑफिस पदस्थ हेड कांस्टेबल है और 1 ID ऑफिसर है। ये मतलब ये प्रशासनिक अमले से भी कई लोग जुड़े हुए हैं। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो PRO है उनको भी हो गया है। और लेकिन ये जो एक बात है यहाँ आंकड़े वाली जो निर्मल बता रहे हैं, एक बार चलेंगे उनके पास, वैसे निर्मल बता रहे हैं, यहाँ जो रिपोर्ट आई है कि इतने जो सैंपल लिए गए हैं उन सैंपल में ही पॉजिटिव पाए गए 126, तो वो हुआ क्या होगा कि जो पहले पॉजिटिव पाए गए उनकी रिपोर्ट फिर से भेज दी गई फिर से पॉजिटिव, तो वहाँ मिलाने के बाद कि ये तो पहले से ही घोषित है, तो ऐसे चिन्हित करने के बाद वो आपका घट गया होगा। निर्मल, और कुछ खबर आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मौतों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान पूरे देश में मध्य प्रदेश का है, और अब तक पूरे प्रदेश में 50 मौतें हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा मौतें 35 जो है इंदौर में हुई हैं, 4 मौतें भोपाल, राजधानी भोपाल में हुई हैं, 6 मौतें उज्जैन में हुई हैं। देखिए 3 हॉट सिटीज इस समय इंदौर, भोपाल और उज्जैन इसलिए मानी जा रही हैं। इसके अलावा 3 खरगोन, 1-1 छिंदवाड़ा और देवास में मौतें हुई हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो आज सरकार ने ये घोषणा की है, मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश को अपने रिव्यू किया है, उसके मुताबिक सिनेमाघर 3 मई से खुल जाएंगे और शराब की दुकानें 20 अप्रैल से खोलने का एक आदेश अभी फिलहाल रिमाइंड करके जारी किया गया है। तो जो सुरा प्रेमी है कहीं ना कहीं काफी दिनों से बेचैन चल रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन यह बात अलग है कि यह हॉटस्पॉट जो सिटीज है, हॉट सिटीज, वहां पे अभी भी इनका शराब की दुकानों का खुल पाना मुश्किल ही नजर आ रहा है। निर्मल, निर्मल हम आपको रोके, मनीष गिरधानी जुड़ गए हैं, झाबुआ संवाददाता है हमारे, ब्यूरो चीफ झाबुआ है। मनीष, जिस तरीके से वहां पर क्या आलम है, लाइक कितने जो कोरोना से पीड़ित संक्रमित मरीज मिले हैं, कितने क्वारंटाइन किए हैं, कितने संदिग्ध, क्या वहाँ पर इस वक्त अपडेट आपके पास? देखिए सबसे बड़ी बात जो झाबुआ की अगर हम करें
तो झाबुआ में इस समय 42 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए और इसमें 377 के आसपास जो है लोग उनको रखा गया है। अच्छा। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें 79 पेशेंट की रिपोर्ट आई है जो पूरी तरह से नेगेटिव है, और सबसे जो सुखद खबर है झाबुआ की वो यही है कि अभी तक एक भी पॉजिटिव यहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मिलने से खतरा लगातार यहाँ पे बना हुआ है। बिल्कुल मनीष, खतरा बना हुआ है, लेकिन क्या झाबुआ में बाहर से भी लोग आए हैं, विदेश से, यानी हमारे कहने का मतलब नहीं तो राज्य से बाहर के बहुत सारे मजदूर गुजरात जाते हैं वहाँ, वो आए होंगे? देखिए सर, शुरुआत में जब ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब जरूर बड़ी संख्या में जो मजदूर यहाँ से पलायन करते राजस्थान और गुजरात के वो जरूर आए थे, लेकिन शासन ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करते हुए बॉर्डर चेक लगाया था और वहां से चेक करने के बाद ही मजदूरों को अंदर एंट्री दी गई थी, और पूरी तरीके से बहुत अच्छा काम यहाँ पर प्रशासन ने किया। इसी का नतीजा है कि एक भी सिंगल पॉजिटिव केस यहाँ पे कोरोना का अभी तक नहीं मिला है। ऐसे जो संदिग्ध हो सर, संदिग्ध को लेके जो मेघनगर विकास संघ के कुछ संदिग्ध जरूर आए थे, लेकिन उसमें भी जो टेस्ट है वो नेगेटिव आए थे सर। कुल सैंपल कितने लिए गए हैं झाबुआ? सर 189 के आसपास सैंपल थे, जिसमें से जो 79 की रिपोर्ट आई है अभी तक वो नेगेटिव आई है, और जो क्वारंटाइन सेंटर है वो 42 है, उसमें 377 लोग हैं जो आसपास के जिलों के अन्य प्रदेश के हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं अभी तक। चलिए, और लॉकडाउन की स्थिति क्या है, क्या वहाँ लोगों को आम जनजीवन में जो दैनिक जीवन की चीजें हैं वो उपलब्ध हो पा रही है? सामान्य तौर पर प्रशासन उपलब्ध करा रहा या किराने की है, दूध की दुकानें खुली हैं क्या? देखिए सर, प्रशासन की एक कोशिश है कि वो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करवाए, लेकिन उसके लिए नियत समय निर्धारित यहाँ पे किया गया है। साथ ही जो पुलिस प्रशासन है यहाँ का और जो जिला प्रशासन है उन लोगों ने एक सूची जारी की है किराना व्यापारियों की, लगातार वो सूचियां आम लोगों तक पहुंची हैं स्थानीय सोशल मीडिया के माध्यम से, वो जो सामान है वो व्हाट्सअप कर रहे हैं अपना और उनके घर पे होम डिलीवरी हो रही है। शुरुआत में इस तरह के दृश्य जरूर देखने में आए थे कि सब्जी की दुकानों पे अचानक सुबह भीड़ बढ़ रही थी, चौराहों पे लोग अचानक दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सख्ती प्रशासन ने बढ़ाई वैसे वैसे लोग अपने घरों के अंदर हैं। और आज सुबह से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टोटल लॉकडाउन का ऐलान फिर बढ़ा दिया उसके बाद से प्रशासन यहाँ पे ज्यादा सख्त आ रहा है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि शुरुआत में प्रशासन जरूर थोड़ा ढीला यहाँ पे दिखाई दिया और इसी का नतीजा रहा कि लगातार जगह जगह झुंडे दिखाई दिए, लेकिन अब इस समय प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। वहाँ पर हालात सामान्य है। चलिए, तमाम जानकारी मनीष गिरदानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भैया, अपनी बात कह रहे थे आप। देखिए, ये तो बात अभी आदेश एक बार फिर बता दीजिए, क्या आदेश जारी हुआ है अभी अभी? जी बिल्कुल, नहीं, दो चीजों के लिए हुआ है जी, ये मनोरंजन और मदिरा से जुड़ा हुआ आदेश ही है। आज सरकार ने दो आदेश जारी किए हैं और उसमें जो पुराना आदेश है उसको रिव्यू कर दिया है। सिनेमा घर 3 मई से खोलने का आदेश फिलहाल जारी हुआ है और जो शराब की दुकान है वो 20 अप्रैल से खोलने का आदेश पूरे प्रदेश में जारी हुआ है। ये बात अलग है कि जो है, चूंकि 20 अप्रैल में अभी एक सप्ताह करीब बाकी है, तो प्रशासन इस दौरान जो तमाम शहर हैं वहाँ के निवासियों की एटीट्यूड पे जो है नजर रखेगा कि कितना वो अनुशासित रहते हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। और हो सकता है जब अगला आदेश जारी हो तो इन सब चीजों का आकलन करने के बाद कुछ सिटीज ऐसी भी हों जहां पर जो है इस आदेश के प्रतिबंध को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो नुकसान से जुड़ी हुई है भोपाल के भीतर ये गोविंदपुरा औद्योगिक इलाका है गोविंदपुरा, तो वहां पर अगर नुकसान की बात की जाए तो इन लॉकडाउन के इन 21 दिनों के भीतर करीब 300 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर सरकार की बात करें तो 3 विभाग अगर मिला लिए जाए, वाणिज्यिक कर, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट, तो जो इनके विभागों में तीनों विभागों को जोड़कर 161 करोड़ रुपए का रोजाना राजस्व का नुकसान हो रहा है और एक माह के भीतर करीब 5000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। तो ये एक जो नुकसान है आर्थिक दृष्टि से राजस्व का, जो सरकार को नुकसान हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको जो नुकसान हो रहा है, उसकी एक वानगी ये भी है। जी जी, अभी एक बार निर्मल फिर आएंगे हम आपके पास। दशरथ सिंह कट्टा जुड़ गए हैं, मेघनगर के हमारे संवाददाता हैं। दशरथ, वहां पर झाबुआ में तो कोई भी ऐसा संदिग्ध नहीं है और ना ही मरीज है, वहां पर क्या आलम है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया गया या फिर संदिग्ध है? मेघनगर एक तहसील है झाबुआ की। हाँ, वहां पर इस वक्त मैं इंद्र के साइड पर खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर लगभग सर महेंद्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 36 लोगों का सैंपल लिया गया है जो भेजा गया है, जिसके अंदर 15 की रिपोर्ट आई है और अभी 17 की रिपोर्ट आना बाकी है।
लेकिन यहाँ पे लगभग कल की बात करें तो चार लोग जो इंदौर गए थे, जो जिनके कोई पारिवारिक काम था, जो आज सुबह यहाँ पे आए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट लेकर सैंपल लेकर भेजा गया है, और इन चारों लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। जी, कुल मिला के 28 सैंपल मेघनगर से भेजे गए, तो मेघनगर तहसील से, मेघनगर तहसील से लगभग 36 सैंपल लिए थे। 36, क्या स्थिति है वहाँ, सामान्य जनजीवन कैसा है, लोगों को सामान जो जीवन के वस्तुएं हैं, जो डेली की दूध है, दवाई है, खिलाने के सामान है, ये मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, बात करें सामान की, यहाँ पे तो बिल्कुल प्रशासन की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, सामान लोगों के घर भिजवाया जा रहा है। दूध की अगर बात करें तो दूध भी लोगों के घर भिजवाया जा रहा है यहाँ पर। और रही सबसे बड़ी बात, तो यहाँ यह है कि सब्जी की दुकानें लगती थी, वो दुकानों को भी घर डिलीवरी के लिए कहा गया है, किराने की दुकानों के लिए भी यहाँ पर लोगों को बिल्कुल फोन डिलीवरी दी जा रही, फोन के माध्यम से उनको बताया जा रहा है, तो डिलीवरी बिल्कुल जो लिखवाई जा रही है जो दुकानदार को, वो उसके माध्यम से सामान के घर पहुंच रहा है। जी, लोग सामान्य अपने दुकान पे लोग नहीं पहुंच रहे? नहीं, दुकान पे लोग नहीं पहुंच रहे, बिल्कुल जो व्यापारी है वो जो बिल्कुल ऑर्डर के हिसाब से सामान लोगों के घर पहुंच सेवा दी जा रही है। और साथ में वहाँ पर स्वास्थ्य क्या क्वारंटाइन, जैसे कि आपने बताया कुछ लोगों को, चार लोगों को किया गया है, तो क्या घर में किया गया है या फिर वहाँ क्वारंटाइन सेंटर कुछ बनाए गए हैं, कुछ व्यवस्थाएं की गई इस प्रकार की? मेरी नगर का कोरो सेंटर लगभग 9 बनाए गए हैं और थानला में 5 बनाए गए, लेकिन मेरी नगर में 9 बनाए गए हैं। अब जो बाहर से शरणार्थी जो आए हुए हैं 151 लोग हैं जिनको वहाँ रखा गया है, और जो कल जिनको इंदौर से आए थे 4 लोग जो जिनको क्वारंटाइन उनके घर में ही किया गया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए दर्शकों आपका शुक्रिया। वहां पर भी सर एक तरीके से देखा जाए उस तहसील में भी ठीक है हालात, कोई भी नेगेटिव सभी आए हैं, और तहसील चूंकि जिले में ही पहले आकर दे दिया है तो वहां, लेकिन ये बड़ी बात है कि देखिए भोपाल हॉट स्पॉट है और मनुष्य यहाँ किराने की दुकानें खुली हुई हैं, कई जगह खुली है, लोग जा रहे हैं और वहाँ होम डिलीवरी हो रही है पूरी तरह से, और आज तो चहलकदमी कुछ ज्यादा ही थी। हाँ, आज कुछ ज्यादा हो गई थी, हालांकि मोदी जी की स्पीच थी 10 बजे, उसके बाद लोगों के चेहरे उदास हो गए। जी निर्मल जी, आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं कि कितना नुकसान हो गया, सारी चीजें हैं, कुछ नए नए आदेश भी जारी हो गए हैं, और क्या कुछ खबरें हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल में एक बार जांच करके तय किया जाएगा कि कुछ जगह खोली जाए कि नहीं खोली जाए, क्या लगता है आपको, जैसा कि आज अचानक 20 सबसे ज्यादा पेशेंट बढ़े होंगे, आज भोपाल में ही बढ़े हैं? देखिए, पूरे देश में इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण इस समय सबसे ज्यादा गौर से सुना जा रहा है और उस पर अमल भी किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने खुद ये कहा है कि जो जिस तरीके का एटीट्यूड रहेगा जिस शहर के भी निवासी हैं उन लोगों का, उस हिसाब से ही आगे निर्णय लिए जाएंगे, और फिलहाल उन्होंने जो लॉकडाउन की अवधि है वो 3 मई तक बढ़ा दी है, तो ये बात जो है अब हर व्यक्ति को, मुझे लगता है जो भी समझदार है थोड़ा सा भी, तो समझ में आ रही है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री जी का जो अपील है, जो निवेदन है, उसके मुताबिक अब जो सोशल डिस्टेंसिंग का, खासकर जो इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, और क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज हैं, उसके बावजूद थोड़ी सी भी ढील देने के बाद जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, तो हो सकता है अब शायद वो अनुशासनहीन लोगों में थोड़ा अनुशासन की भावना जागे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राशन किराना तो ठीक ही है, लेकिन खासकर जो जिनके कंठ सूख रहे हैं मंदिरा प्रेमी, उनको लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। जी निर्मल, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है रेशियो, ये हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा है, 730 मरीजों में 50, लगभग 8.5% मौत का आंकड़ा है। जी बिल्कुल, यही सबसे गंभीर वजह है कि आखिर ऐसी क्या बात है। हालांकि ये बात बिल्कुल आदर रहा है कि जो भोपाल की बात करें तो जो 4 मरीज अब तक काल के गाल में समाये हैं कोरोना पॉजिटिव के, तो कोरोना पॉजिटिव का एक तरह से उन पर ठप्पा लगा है, ये चारों बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार थे और चारों के चारों जो है गैस पीड़ित थे। यहाँ सबसे काबिल गौर बात यह भी है कि जो गैस पीड़ित है भोपाल के, वो फेफड़े और सांस की बीमारी से बहुत गंभीर रूप से परेशान है, बावजूद इसके BMHRC को जो है
जो जनरल सेवाएं रहती हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उनके लिए बंद करके पूरी तरह से कोरोना के लिए कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी एक गैस पीड़ितों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय वाली बात हो सकती है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर 50 मौतों की बात करें तो फिर से मैं आपको बता दूं कि 35 इंदौर अकेले में हुई है, 4 भोपाल में हुई है, 6 उज्जैन में हुई है, 3 खरगोन में हुई है और 1 छिंदवाड़ा और देवास में हुई है। जी चलो एक बार फिर से बताएंगे, हम आपके पास आएंगे। धन्यवाद निर्मल जी, तमाम जानकारी के लिए आपके पास जाएंगे। ये जानना चाहेंगे कि कितने कुल पेशेंट कहाँ है, एक बार फिर से अपन बता दें। हालांकि हमारी टेली चल रही है, उसमें संजय पिलोड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं पेटलावत से। संजय, वहां पर क्या आलम है, कितने लोग संदिग्ध हैं, कितने क्वारंटाइन हैं? जी मैं आपको बता दूं सर कि पेटलावत में कुल 49 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें राहत की बात यह है कि जो आज 12 सैंपल आए हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं और इसके पहले भी जो 5 सैंपल आए थे वो भी नेगेटिव पाए गए हैं। कुल संक्रमित एरिया से आने के कारण जगनावदा, रायपुरिया, सारंगी, करवड़, बामनिया, करणावत तथा पेटलावत का जो नगरीय इलाका है इन शामिल इलाकों में करके 49 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। चलिए, मतलब सैंपल रिपोर्ट कितनी आई है? रिपोर्ट सर 14 और 5 19 रिपोर्ट आ गई है जो नेगेटिव पाई गई है। कुल एक बार फिर बता दें, कुल सैंपल कितने लिए गए पेटलावत से? पेटलावत से सर 49 सैंपल लिए गए थे। 49 यानी 49? जी सर, जी 49 सर। और क्या स्थिति है पेटलावत में? किराने की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी की दुकान? पेटलावत में सर यूं तो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और सब्जी और किराने की जो वाहन से जो घर घर पहुंचाने की सुविधा प्रशासन ने की है उसके हिसाब से जारी है और कहीं कोई दिक्कत वाला मामला नहीं आ रहा है। आम लोग दुकान तक नहीं पहुंच रहे हैं, दूध डेयरी तक? आम लोगों को सर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वो भी साथ दे रहे हैं और जो घर वाहन पहुंच रहा है उसी से वो खरीदी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या दूध भी पहुंच रहा है घर घर? जी दूध भी, दूध का वाहन भी पहुंच रहा है, किराने का वाहन भी पहुंच रहा है और सब्जी के वाहन भी पहुंच रहा है। फिर पेटलावत आदिवासी क्षेत्र है, सामान्यतः देखा गया है जब बैंक जहां जनधन खाते जो लोगों के उसमें पैसे जमा किए गए हैं, खासकर बीपीएल कार्ड धारक, उनको पैसे लेने के लिए कई जगह देखा गया एकदम लाइन, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ सहकारी बैंक है पेटलावत में, ऐसी समस्या एक आध जगह आई है सर, बाकी बैंकों में जो पेटलावत साफर देखा जाए तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के कियोस्क पर इससे भी सुविधा जनधन के खातों का पैसा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर प्रशासन ने सख्ती कैसी कर रखी है? शायद ये पेटलावत वही ना ब्लास्ट हुआ तो प्रशासन की गलती सामने निकल आई थी पेटलावत में जी, वहां पर प्रशासन के द्वारा कानून का पालन कैसे कराया जा रहा है? सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त है या फिर थोड़ी सी ढील दी गई है? हल्के फुल की ढील दिखाई दे रही है लेकिन धार और रतलाम जो और दाहोद जाने वाला जो है इलाका उसके रास्ते पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं और ताकि बाहर से कोई भी नहीं आए। आज भी जैसे दो संदिग्ध धार इलाके से आए गए थे उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। बहुत जनप्रतिनिधियों का हाल है, खाना वाला जो बेचारे गरीब हैं उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, जो डेली मजदूरी करके खाने के जुगाड़ करते थे, क्या उन तक कैसे खाना पहुंच रहा? पहुंचा रहे वो लोग कि प्रशासन पहुंचा रहा? प्रशासन की ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं दिखा दे लेकिन सामाजिक जो संस्था है और सामाजिक संगठन जो उनके और निजी तौर पर लोग हैं ये व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो छोटे लोग हैं उनको कहीं सूखा राहत सामान भी मिल जाए और जो खाने पीने की चीजें मिल जाए। चलिए, तमाम जानकारी के संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रमोद जुड़ गए हैं भोपाल से। प्रमोद, जिस तरीके से भोपाल के लिए हालांकि कोई राहत वाली खबर तो फिलहाल है नहीं लेकिन यही है कि नए और संक्रमित मरीज मिले हैं, पुलिस महकमे की बात करें तो यहां पर कोई फेरबदल देखने को मिला है, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला है? आपके पास कोई नई जानकारी जैसे कल आपने दी थी, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल आपदा और ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से पास बनवा करके जा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा एक दो जगह इसकी जांच करने का प्रयास किया तो अभी उसमें कुछ रिस्पांस मिल नहीं रहा। प्रमोद, ऑनलाइन है सर ऑफलाइन? ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन को लेकर मैंने एक पूरी जो फॉर्म होता है वो लिंक भी शेयर किया था और जिसके जरिए अब आज से संभवतः शाम से जो ऑनलाइन पास है वो बनना शुरू हो गए थे, पोर्टल भी खुलना शुरू हो गया था देर रात तक पूरी जानकारी। और इसके अलावा कोरोना से कैसे निपटा जाए, राजधानी भोपाल में 20 नए मामले आ गए हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस महकमे और स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है किस तरीके से उनके स्टाफ को अब सुरक्षित रखा जाए, ये बड़ी एक जिम्मेदारी आन पड़ी है। और इसी से निपटने के लिए फिलहाल जो ताजा जानकारी आ रही है कि वो ये है कि कल बीजेपी ने जो टास्क फोर्स का गठन किया था उसकी बैठक शुरू हो गई है, मंत्रालय से सीएम शिवराज
सिंह चौहान इस ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं, और तो बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और कई और संगठन के पदाधिकारी वहां से जुड़े हैं, कैलाश विजयवर्गीय और जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिंधिया खेमे के बड़े करीबी माने जाते हैं तुलसी सिलावट, वो एकमात्र इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, उनसे भी पूरे अनुभव शेयर किया जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में देखिए स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं का पूरा खेल है, महामारी में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होना चाहिए, तुलसी सिलावट की एक अपनी अलग भूमिका है, उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम सुझाव लिए जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जुड़े हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा जुड़े हुए हैं, तमाम बीजेपी के जो टास्क फोर्स की जो कमेटी गठित की गई है वो तमाम पदाधिकारी इसमें जुड़े हुए, मंत्रालय से सीएम ने पहले अधिकारियों से चर्चा की है। प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं इंदौर और भोपाल में लगातार देखिए रेड जोन बन गया है, लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इंदौर में तो बड़ी संख्या में आज आए हैं लगातार, क्या वजह है, क्या कारण है, कहां पर कमी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तकरीबन 1.5 घंटे तक प्रदेश भर के तमाम अधिकारियों को से चर्चा की है, बातचीत की है, कैसे इस संकट की महामारी से निपटा जाए, आखिरकार वजह क्या है वो तलाशी जा रही है राजधानी भोपाल और इंदौर से। क्योंकि आज देखिए 20 भोपाल में आ गए, इंदौर में भी बड़ी तादाद में आए हैं और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो तमाम वो निष्कर्ष तलाशने की 1.5 घंटे में कोशिश की गई। इसके बाद टास्क फोर्स की बैठक लगातार चल रही है, सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं क्षेत्रों में, क्योंकि देखिए अब बीजेपी देखिए अब मोर्चा संभालने वाली है, टास्क फोर्स का गठन हो गया है, और इस संकट की घड़ी में चूंकि मंत्री नहीं है सरकार के पास, अकेले सीएम शिवराज सिंह चौहान पड़ गए हैं, तो पूरी एक कमेटी रोकेंगे। हालांकि टास्क फोर्स के गठन से क्या वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो आ रहे हैं उनको रोक लेंगे, ये अलग बात है कि लॉकडाउन का सही ढंग से पालन करवाएं, सही ढंग से सैंपल लिया जाए। टास्क फोर्स यही सलाह दे सकती है, कोरोना पेशेंट तो नहीं रोके जा सकते हैं, जो संक्रमित हो गए हैं वो होंगे ही। और मैं आपके पास फिर से आऊंगा। गोपाल सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं राणापुर से। गोपाल, वहां पर कितने लोग संदिग्ध हैं या कितने लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, क्या कुछ वहां पर सख्ती है, क्या है जानकारी आपके पास? जी सर, बताना चाहूंगा कि यहाँ जो राणापुर तहसील है यहाँ पर 48 लोग जो है जिनकी जांच भेजी गई थी इंदौर और भोपाल, इनमें से 26 लोगों की जांच आ चुकी है और एक जो जांच है सर वो रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, बाकी सब? बाकी 21 लोगों की जांच अभी शेष आना बाकी है सर। बाकी ये सारे निगेटिव पाए गए हैं? जी सर, जो अभी जो 26 लोगों की जांच आई है वो बिल्कुल ही निगेटिव पाए गए हैं। तो जिनकी रिजेक्ट हो गई है उनकी फिर से जांच भेजी जा रही क्या? जी हाँ, बताया जा रहा था कुछ आधार कार्ड वगैरह नहीं मिल पाए थे उसके कारण, कुछ त्रुटि थी उसके कारण उनकी वापस से जांच भेजी जाएगी। चलिए, राणापुर की क्या स्थिति, तहसील है क्या पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है? मैं मान सकता हूँ एक आपके पीछे जा रहे हैं, लेकिन किराने की दुकान, सब्जी, किसान क्या मंडी तक सब्जी ला पा रहा है, नहीं ला पा रहा है? जी, बात करते हैं तो जो शासन के आदेश है कि जो व्यापारी है उनको वो बताया गया कि वे घर पहुंचने वाले जो लोग हैं उनके घर पर राशन जा रहा है, तेल वगैरह, दूध वगैरह घर जा रहा है, और लॉकडाउन के जो पालन की बात करें तो पूरी तरह से लॉकडाउन पालन हो रहा है यहाँ पर। सर नहीं है गोपाल, हमारी बात यह है कि जो किसान है जिसने सब्जी उगाई है, जो मंडियों में जाके बेचता है, वो उसको अगर वो मंडी तक जा रहा है तो उसको जाने की सुविधा है, और क्या मंडी तक पहुंचने दे रहा है प्रशासन उनको? जी, सब्जी मंडी की अगर बात करें तो राणापुर में कहीं भी यहाँ सब्जी मंडी नहीं है सर। चलिए, तो सब्जी तो कहीं मिलती होगी? जी सर, जी जी सर मिलती है, लेकिन वो ठेला वाला आता है गांव में, घूमता है, आवाज लगाता है, घर से एक व्यक्ति निकलता है उसको दे दी जाती है, लेकिन घर के किसी व्यक्ति को बाहर नहीं आने दिया जाता है। तो चलिए, उसके पहले जब सामान्य था, लॉकडाउन नहीं था, तब तो कोई बाजार लगता रहा होगा सब्जी का? जी हाँ बिल्कुल ही, राणापुर में ही बाजार लगता था, सब लोग लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद में गाड़ियां घूम रही है और लोगों के घर तक सामान भेज रही है, सब्जी भेज रही है। मतलब वहाँ और ज्यादा सकती है, इंदौर भोपाल से ज्यादा सकती है। गोपाल, जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, जाहिर है जिनके सैंपल भेजे गए सभी क्वारंटाइन ही होंगे, तो कोई सेंटर वहाँ पर बनाया गया या घर पर ही क्वारंटाइन किए गए हैं सभी? जी बिल्कुल, एक अस्पताल है वहाँ क्वारंटाइन बनाया गया है, दो बालक छात्रवास है वहाँ क्वारंटाइन बनाया गया है, जिसमें यूपी है,
फ्रेंड है और झाबुआ के भी कुछ लोग हैं, झाबुआ तहसील के, राणापुर तहसील के, और उनको क्वारंटाइन हाल में रखा गया है। चलिए गोपाल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, एक सवाल था कि जिस तरीके से भी खबरें आ रही हैं कि पुलिस कर्मी हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी 24 घंटे से ज्यादा की हो रही है, तो ऐसे में क्या एक अभी हाल ही में खुदकुशी का भी मामला सामने आपके संज्ञान में होगा? हमारे साथ संजय से जानकारी इस मामले में लेंगे, संजय के पास से जानकारी है। प्रमोद, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसानों को माने उनके घर से माने 6 किसान एक दिन में अपनी फसल रजिस्टर करा के बेच सकते हैं। आज से शायद उनके खलिहान से ही खरीदारी की चालू होने वाली है, शासन खरीदेगा। इसकी कोई खबर है आपके पास कहीं कि कैसे 6 किसान अगर एक दिन में बेच पाएगा तो कब तक बेच पाएंगे? कुछ है इसके बारे में जानकारी? देखिए, फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कल एक वीडियो रिलीज किया गया था सीएम शिवराज सिंह चौहान का, और जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि प्रदेश के जो भी किसान हैं वो चिंतित ना हो, फसल की जो गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, एक एक दाना दाना सरकार इस गेहूं का खरीदेगी। और साफ तौर पर कह दिया है के जो तमाम जो बीजेपी और प्रशासनिक अमले को आदेश दे दिए गए हैं कि जिन जो गेहूं का जो खरीदी की जाएगी, तमाम जो किसान हैं उनके पास एसएमएस जाएंगे, और सिर्फ जिनके पास एसएमएस जाते हैं एक दिन में वही किसान जो जहां पर खरीदी केंद्र होगा वहां पर पहुंचेंगे और वो अपनी फसल तुलवा सकेंगे। देखिए, साफ तौर पर प्रशासन को आदेश जारी कर दिए हैं कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जो गेहूं उपार्जन केंद्र है वहां पर भीड़ लगाई जाए, मतलब साफ है, अब देखने वाली बात ही होगी। फिलहाल अब तक जो ताजा अपडेट है वो ये है कि अब तक खरीदी शुरू नहीं हुई है, देखने वाली बात ही होगी। उम्मीद है कि कल से ये गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन पूरे प्रदेश भर में किसान है वो चिंतित है क्योंकि इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है और किसान चाहते हैं कि उचित रेट पर उनका गेहूं बिक जाए। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है, अब देखने वाली बात ही होगी कि इन सब मामले में जो पूरी प्रोसेस बनाई गई है कि किसान परेशान ना हो, जिनके पास एसएमएस जाते हैं एक दिन में 6 या 7 किसान वही पहुंचे और उनकी भी समय रहते तुलाई हो। तो एक मिनट हम आपको रोकेंगे, हमारे साथ मनीष वाणी जुड़ गए हैं अलीराजपुर से। मनीष, वहां पर कोई किसी प्रकार का संदिग्ध या फिर कोई कोरोना पॉजिटिव मिला है? अब तक वहां के हालात कैसे हैं? कितने लोगों की रिपोर्ट भेजी गई? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जिले में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अभी तक 99 सैंपल लिए जा चुके हैं जिसमें 11 की रिपोर्ट आ चुकी है और 11 की ही रिपोर्ट नेगेटिव है। 88 सैंपल की जांच पिछले एक सप्ताह से नहीं आ पाई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जिले स्तर पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जो 40 बेड का है, जिसमें 15 लोग अभी एडमिट है और उनका उपचार जांच का इंतजार किया जा रहा है। जी, ये लगातार इनसे पूछ रहे हैं। अलीराजपुर में आज से आदेश हुआ है कि किसान अपनी मंडी में फसल ला के बेच सकते हैं। 6 किसान जिनको एसएमएस गया होगा, आज 15 तारीख है ना, 15 से ही होना है, तो मंडी के क्या हाल है और सब्जी मंडी अगर है वहाँ तो उसके क्या हाल है? सर, यहाँ पर कृषि उपज मंडी 2 है सर, एक जोबट है और एक अलीराजपुर है, लेकिन इस ओर मंडी की ओर से अभी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और नहीं कोई अभी यहाँ पर आदेश आया या प्रशासन की ओर से कोई पहल की गई है कि किसान गेहूं लाएगा तो कहाँ बेचेगा, किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कर खरीदी की जाएगी, इस प्रकार का कोई भी मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है सर। अगर प्रशासन ऐसा भी आदेश हुआ था, कहा जा रहा कि उनके खलिहान तक किसानों के यहाँ जाकर के खरीदारी करेगी प्रशासन, तो कुछ ऐसी पहल देखने को मिली क्या आपको? सर, अलीराजपुर जिले में इस प्रकार की कोई मंडी प्रशासन या प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई सर। तो कैसा कुछ नहीं। अलीराजपुर में सामान्य जनजीवन कैसा, किराने की दुकानें खुल रही है क्या? सर, लॉकडाउन को लेकर यहाँ प्रशासन ने होम डिलीवरी की सुविधा कर रखी है। यदि कोई दुकानदार रिटर्न रूप से अगर यहाँ सामान बेचता है तो उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। किसी भी प्रकार से लॉकडाउन को तोड़ने का प्रशासन मौका नहीं दे रहा है सर। मनीष, जिस तरह से आपके पीछे लॉकडाउन आपका जिक्र कर रहे हैं पर कंपनी गार्डन की तरह लोग वहाँ काफी घूम रहे हैं, तो किस प्रकार का ये लॉकडाउन है? सर, यहाँ पर करीब 5 से 6 के बीच में प्रशासन द्वारा जो आवश्यक वस्तु जैसे दूध है या मेडिकल की कोई दवाई गोली खरीदना हो उसके लिए थोड़ी सी छूट दी जाती है, लेकिन उन लोगों से भी पुलिस लगातार पूछताछ करती है कि आप किस काम के लिए गए हो। यदि अनावश्यक रूप से वो घूमते पाए गए तो उनके खिलाफ पुलिस या तो चालानी कार्रवाई करती है या 151 की तहत उन पर मामला दर्ज कर उन्हें जेल भी भेजती है। जी, क्या कुछ आपको जानकारी है अभी वहाँ कितनी FIR दर्ज हुई है लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में? सर, लॉकडाउन को लेकर अभी तक 3 से 4 FIR दर्ज हो चुकी है जिसमें 2 दुकान को प्रशासन द्वारा सील भी किया गया है।
चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ प्रमोद बने हुए, लेकिन सर जिस तरीके से प्रमोद के पास पहुंचे हैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि कहा जा रहा है कि छूट दी जाएगी उन जिलों में जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो किस प्रकार की छूट? जैसा कल से चल रहा था कि रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाया जाएगा, और ग्रीन वो होंगे जो पूरी तरह से जहाँ पॉजिटिव पेशेंट नहीं पाए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है एक कहा जा सके बड़े भैया बड़े भैया छोटे भैया सुहा वाला यहाँ कम है, और जहाँ छोटे वहाँ और ज्यादा शक्ति है जो मिल रहा है। यहाँ तो आप देखेंगे यहाँ से जा रहे होंगे तो कहीं एक आध जगह किराने की दुकान भी खुली होगी, दूध की दुकान लोग खुद जा रहे हैं, डोर टू डोर दूध लेने नहीं जा रहे हैं, मेडिकल तो सारे लगभग खुले हुए हैं, आम लोग भी जा रहे हैं, थोड़ा पुलिस भी कर रही, पर जो शक्ति थी पहले वो शक्ति नहीं है, क्योंकि वो भी अब इतने दिनों से है एक जगह लगे लगे थक गए हैं, और खुद भी वो चूंकि पीड़ित होने लगे हैं, बहुत सारे पुलिस परिवार से लोग पीड़ित हो गए हैं, स्वास्थ्य परिवार से लोग पीड़ित हो गए हैं, तो वो अब उनमें भी भय व्याप्त होने लगा है। जी प्रमोद अभी जो जैसा कि कहा गया था कि या तो खलिहान से खरीदेंगे, नहीं छह किसानों को एक दिन में SMS जाएगा, इस तरह की अभी बाकी जो हमारे दूर दराज के हमारे संवाददाता हैं, जिले के ब्यूरो चीफ हैं, वो लोग अभी ऐसी कोई सूचना दे नहीं रहे। देखिए ऐसी उम्मीद है, चूंकि एक बड़ी कठिनाई है कोरोना महामारी, देखो पूरा प्रशासनिक अमला एक तरफ कैसे निपटा जाए कोरोना संकट से उसमें जुटा हुआ है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए, पहले कहा गया था कि 9 तारीख से खरीदारी की जाएगी, लेकिन 9 तारीख से नहीं हो पाई है, वो आगे पोस्टपोन्ड हो जाती है। अब उम्मीद है कि कल से ये खरीदारी होने की संभावना है, देखने वाली बात ही होगी प्रशासन किस तरीके से प्रशासन पूरा मोर्चा संभालता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में किसान है और बम्पर पैदावारी भी हुई है गेहूं की, ऐसे में कैसे एक एहतियातन तौर पर कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए कैसे खरीदारी की जाती है, ये बड़ा टास्क है मध्य प्रदेश सरकार के लिए प्रशासन के लिए। ऐसे में जबकि प्रशासनिक अमला हो पुलिस अमला हो उनके ही अपने अधिकारी कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, पॉजिटिव है कई, होम क्वारंटाइन है कई, आइसोलेट भी है। प्रमोद आपकी तो बात होती रहती है, मुख्यमंत्री से बात होती रहती है, उनके जो विशेष सहायक है उनसे भी बात होती रहती है, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है किसानों वाला मुद्दा, और किसान पुत्र मुख्यमंत्री चिंतित भी है उनके लिए। तो आप ये जरूर कल फिर से हम अपने दर्शकों को किसानों को जो हमारे किसान ये हमारा चैनल देख रहे हैं उन तक ये सूचना देने का प्रयास करेंगे, आप इस पूरी सूचना हम कल आपसे फिर लेंगे एक बार कि आखिर किस तरह से अखबारों में आया है, विज्ञापन भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे कि पहले किसान दिग्भ्रमित होते रहे हैं उसी तरह अभी भी भ्रमित है वो कि कैसे पहुंचेंगे आएंगे कैसे लेने, थोड़ा सा इस पे जानकारी लेकर के आप जरूर कल बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुल मिला के दीपक ये देखने को मिल रहा है कि जहां नहीं पहुंचा है वो लोग ज्यादा सशंकित है, उनको ज्यादा लग रहा है कि यहाँ किसी तरह से ना आ जाए, इसलिए ज्यादा है रामेश्वर योगी जुड़ गए हैं और पेशा से सर ये डॉक्टर भी हैं। तो जी रामेश्वर जिस तरीके से वहां पर हालात हैं, चूंकि आप एक डॉक्टर भी हैं तो ऐसे मैं जानना चाहूंगा कि वहां पर लॉकडाउन का पालन कैसा कराया जा रहा है, कितनी रिपोर्ट भेजी गई, वाकई सैंपल जितनी तादाद में लिए जाने चाहिए उतनी तादाद में लिए गए हैं? रामेश्वर आवाज आ रही? चलिए रामेश्वर सभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके आपने जिक्र कर रहे थे कि सर वहां पर जो लोग छोटे जगह से हैं या फिर तहसील वहां ज्यादा वो है, लेकिन अब आने वाले समय में जैसे मैंने इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी थी उसके बाद मैं हम बुसरा थी, हमारी बुसरा से वार्तालाप हुई थी, भाई अभी तो आप BPL आम आदमी है जो स्वयंसेवी संगठन है शासन है जो BPL कार्ड धारक है जो मजदूर हैं इन तक आप खाना भी पहुंचा रहे हैं राशन भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विकट स्थिति उनकी है जो मध्यम वर्गीय से और नीचे कह लें अति मध्यम वर्गीय, अति मध्यम वर्गीय परिवार अगर उनके यहाँ 5-6 लोग हैं और उनके यहाँ अगर 10-15 हजार रुपए की इनकम होती है सैलरी होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी विकट स्थिति होने वाली है, क्योंकि वो अपना उसको सेफ नहीं कर पाते हैं उतना, और ऐसे में उनका जो परिवार होता है उसी में रामेश्वर योगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रामेश्वर जिस तरीके से वहां पर आलम है क्या कोई संक्रमित मिला है, और साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो नजरिए से बताइएगा जितने सैंपल लिए जाने चाहिए तो उतने सैंपल वहां लिए गए हैं, और कितने लिए गए कितने निगेटिव है क्या है पूरा वहां पर अपडेट आपके पास? लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें जानकारी आपको देना चाहूंगा जो जिले की वर्तमान स्थिति है उसमें 23 अप्रैल 23 मार्च को ये जो लॉकडाउन घोषित हुआ था जिसके बाद
9 कुल विदेशी यहाँ पे आकर के आए थे जिन्हें भी क्वारंटीन किया गया था, लेकिन उनकी जो बात है उनको किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए थे। उसके बाद उनको 14 दिन बाद उनको क्वारंटीन से बाहर कर दिया गया था। जिले में वर्तमान की स्थिति यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कुल यहाँ पे 9557 होम आइसोलेशन व्यक्ति को रखा गया था जिनको हल्के से लक्षण थे या उनको सर्दी खांसी टाइप के मामूली लक्षण से उनको रखा गया था, उनको भी होम आइसोलेशन से बाहर कर दिया गया और 257 वर्तमान होम आइसोलेशन में है। और यदि यहाँ पे सैंपल की बात करें तो यहाँ पे 165 कुल जिले से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जिसमें से 31 की रिपोर्ट अभी आ चुकी है और उनकी जो रिपोर्ट है वो सारी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। साथ में 134 की शेष रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और यदि यहाँ पे बात करूँ मैं संदिग्धों की तो पूरे जिले में से वर्तमान में सिर्फ 4 लोग यहाँ पे संदिग्ध है जिसमें से 2 को इंदौर रेफर किया गया है, 2 यहाँ पे वर्तमान में उनको यहाँ पे उनका उपचार जारी है, उनको आइसोलेशन में रखकर उनका उपचार हो रहा है। जिनकी रिपोर्ट आती है उसके बाद इसका मतलब ये देखा जाएगा कि संदिग्ध में से ये किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव है या नहीं है। इन चारों को भी संदिग्ध इसलिए माना गया है क्योंकि जो 4 संदिग्ध से एक परिवार इंदौर गया था अभी विगत 4 तारीख को, और 4 तारीख को जब इंदौर से आया तो उसका उनको इस प्रकार के लक्षण पाए गए और उन लोगों को प्रशासन ने लगातार उनको कहा भी था कि आप दूर रहे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने इसकी बात नहीं मानी और धारा 144 का उन्होंने उल्लंघन भी किया और इसके तहत उन्होंने जिला प्रशासन ने कल इनके ऊपर FIR भी दर्ज किए। ये जो आप बताए 4 विदेश से आए हैं, कहाँ से आए थे ये लोग, कौन है? देखिए 4 विदेश नहीं, 9 विदेश से आए थे जो जिन लोगों को 23 मार्च के बाद ये लोग यहाँ जिले में आए थे और इन लोगों को यहाँ पे जिला चिकित्सालय में होम आइसोलेशन वार्ड में इनको रखा गया था, लेकिन वो उस बात को काफी समय हो चुका है और वो लोग हम ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से आए थे, आपको जानकारी है क्या ये कहाँ से आए थे? देखिए ये जानकारी मेरे पास पूरी नहीं है कि कहाँ से आए थे ये लोग, लेकिन इन लोगों को विदेश से आना बताया गया था और ये कहीं ना कहीं मतलब इन जो 9 लोग विदेश से आए थे ये कहीं ना कहीं मतलब क्या जो बताया गया इस्लामिक क्या नाम जमाती नहीं थे जिसके कारण इन लोगों को इतना भी ज्यादा नहीं लगाया, उनकी स्क्रीनिंग भी हुई और लगातार इन पे प्रशासन ने पूरी जो निगाह थी वो भी उनके ऊपर थी और अब ये लोग स्वस्थ हैं, उनके फैमिली के साथ है। मतलब जमाती थे जो शंका की जा रही है? नहीं जमाती नहीं थे ये लोग, अगर जमाती होते तो इनको प्रशासन कहीं ना कहीं इनको अभी और लंबे समय तक रखता। जमाती नहीं थे? हाँ जी। और क्या स्थिति आगरमालवा की? क्या जैसे कि भोपाल बहुत हॉट सिटी में से आ गया है, लेकिन कहीं कहीं किराने की दुकान खुली है, यहाँ पे सब्जी वाले भी घूम रहे हैं, ठेले वाले सब्जी ले रहे हैं, नगर निगम भी सब्जी उपलब्ध करा रहा है, राशन की दुकानें उपलब्ध करा रहा, वहाँ क्या स्थिति है? देखिए प्रशासन ने एक यहाँ पे एक व्यवस्था ये अच्छी करी कि सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक दुकानें यहाँ पे जो जो आवश्यक सामग्री है जैसे कि दूध हो गया या किराना हो गया या मेडिकल जो दवाइयाँ हैं इन लोगों को इन दुकानों को कुछ दुकानों को जो कुछ एरिया में छूट दी गई थी और इनको सुबह 8 से 11 बजे तक खुले रखने की इनको वो दिया गया था, बाकायदा सोशल डिस्टेंस के तहत इन लोगों को किराना दुकान से सामान सामग्री वितरण करने का समय दिया गया था। और मैं आपको एक बात वो बताना चाहूंगा, क्योंकि आगर जिला राजस्थान सीमा बॉर्डर से है और इंदौर से जो जयपुर का रास्ता जाता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग आगर होते हुए जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि मध्य प्रदेश से पहले जो केस पॉजिटिव पाए गए थे वो राजस्थान के थे और भिलवाड़ा और जयपुर से थे और यहाँ का रास्ता जो है वो भिलवाड़ा और जयपुर जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए वो भी चुनौती थी और इसीलिए प्रशासन ने जो बॉर्डर थी वो कहीं ना कहीं जो ये कहें कि राजस्थान की जितने भी सीमाएं थी वो भले ग्रामीण मार्ग से राजस्थान जाते हो या राष्ट्रीय राजमार्ग से राजस्थान जाते हो उन सारे मार्गों को सील कर दिया गया और उन पर लगातार प्रशासन की निगाहें बनी हुई है। वहाँ पर और कुछ जानकारी आपको? नहीं सर, भाई वहाँ पर हालात ठीक है। चलिए रामेश्वर योगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं। सर संजय क्या खबर है आज नगर निगम का, जैसे मेडिकल बुलेटिन जारी होता है नगर निगम का क्या है बुलेटिन आज? सर नगर निगम का अगर आज देखा जाए तो सबसे बड़ी आज अफसोस की बात है कि अपन स्वराज जो बात करता है कि जो आदमी काम करता है उसके बारे में बताता है आज, लेकिन अफसोस होता है कि नगर निगम के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं अगर अधिकारी उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं और उन्हें गाली गलौज करते हैं तो कहीं ना कहीं नगर निगम के या कोई भी कर्मचारी हो उसका मनोबल गिरता है। अगर हाल ही की बात कर ले आज जिस प्रकार से पुलिस के 13 पुलिस कर्मी अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रेशराइज जो देखने को मिल रहा है,
आज उसी के अंतर्गत एक चेतन राठौर जो है जो सागर के रहने वाले हैं उन पुलिस कर्मी ने अपने आप को गोली मार दी। यही इसी प्रकार से देखा जाए तो नगर निगम में भी कुछ अधिकारी हैं आर एस राठौर की जिनकी हम काफी तारीफ कर चुके थे और बताया जा रहा था कि आर एस ठाकुर जो है राठौर जो है वो फील्ड में रहकर काम करते हैं। कहीं ना कहीं आज कल की जो एक घटना घटित हुई है किचन में उसको जो दीनदयाल किचन है उसको देखकर लगता है कि आर एस ठाकुर भी थकान हो गए और अपना सारा गुस्सा अब कर्मचारियों पर निकालने लगे हैं। कल की जिस प्रकार से वहां से सूचना आ रही है और लोग बताते हैं और जब हम पहुंचे थे वहां पे तो हमें ये जानकारी लगी कि आर एस ठाकुर ने जिस प्रकार से वहां के जो कर्मचारी है जो वहां पे काम कर रहे हैं रोज के 3000 लोगों से जिनका पाला पड़ता है आज कल उनके साथ बड़ी बदतमीजी से और गाली गलौज करके उनसे पेश आए और वहां के कई लोगों को भगा दिया था और वहां पे जो गरीब खाना लेने आते हैं उनको क्लियर मना कर दिया। लेकिन नगर निगम ने उसके बाद एक आदेश निकाला कि अब जो भी किचन दीनदयाल किचन का जो खाना बनेगा वो उनके जो जेडो है जो जोनल अधिकारी है वो सप्लाई करेंगे। लेकिन सर अभी भी ये देखने में आता है कि जोनल अधिकारी जो है जेडो जो है कभी फील्ड में देखने को नहीं मिल रहा है और वो गायब हो गया है तो वो खाना कहाँ पहुंचा पाएंगे। यही चीज अगर हम देखें तो दीनदयाल की हमने जब बात कही हम जब पहुंचे हैं वहां पे तो हमें देखने को मिल रहा है जहां कोरोना को लड़ने के लेकर जिस प्रकार से सरकार सैनिटाइजर तक उपयोग करा रही है तो कल किचन में जो कर्मचारी है वो अपनी जेबों में खुद का पर्सनल का सैनिटाइजर लेकर उपयोग कर रहे हैं और अपने पर्सनल मास्क लगा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अगर उन अधिकारी के आर एस ठाकुर की राठौर की बात कर ले तो वहां तक अभी तक ना मास्क पहुंचे हैं ना सैनिटाइजर पहुंचा है फिर भी वो कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के दबाव में आकर वहां के कर्मचारी भी अब अपने आप को बड़ा मायूसता महसूस कर रहे हैं कि संजय हम आपके पास आएंगे काफी गुस्सा है आप राठौर और आप ही राठौर जी की तारीफ कर रहे थे और आप ही बहुत गुस्सा निकाल रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर आप गए होंगे फील्ड में देखा होगा आपने सारी स्थितियों का आकलन किया होगा तो निश्चित ऐसे लोगों को एक्सपोज भी करना चाहिए लेकिन काम भी कर रहे हैं। हिंदू सिंह यादव जुड़ गए हमारे साथ आगरमालवा से जी शहरी क्षेत्र से ही। हिंदू सिंह जिस तरह से वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में हालात ठीक है और वहां पर सख्ती भी अच्छी खासी है शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहां पर आलम क्या है कितने लोग संदिग्ध कितने क्वारंटाइन है प्रशासन ने खाद्यान्न सामग्री को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की है। जी आपको बताना चाहूंगा कि वैसे आगरमालवा जिला पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए तो अभी तक एड भी नहीं है लेकिन यहाँ से दो लोगों को उज्जैन के लिए रेफर किया है मुल्तानी परिवार के जो संदिग्ध पाए गए थे अभी उनकी रिपोर्ट आज शाम तक आना है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने आगर शहर का जो हाटपुरा क्षेत्र है उसको पूर्ण रूप से सील किया गया है और वहां पर जो अंदर जाने के जितने भी रास्ते हैं सारे रास्ते बंद किए गए हैं और आज जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले दूध हैं जो घर घर जाके बंदी वाले दूध हैं उन पर भी आज कलेक्टर द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। और अगर ग्राम इसके बाद अगर सुसनेर क्षेत्र की बात की जाए तो क्योंकि आगरमालवा जिला राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ जिला है राजस्थान के झालावाड़ जिले के जो पीड़ावा है वहां पर संदिग्ध मिले हैं 9 से अधिक उसी को लेकर सुसनेर को पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है और जो खाद्य सामग्री है ये जिला प्रशासन के जो अधिकारी है उनका अलग अलग सेक्टर वाइज वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्हीं के माध्यम से घर घर खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहां सुसनेर और आगर जिले की बात की जाए आगर में एक दिन छोड़कर यहाँ पर किराने की दुकानों को छूट दी जाती है उसका समय रहता है सुबह 8 से 11 बजे तक और गैस मेडिकल और पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से 4 बजे तक के लिए इनके लिए छूट दी गई है। अगर पूरे जिले की बात की जाए तो यहाँ पर होम आइसोलेशन में 9557 लोगों को पूरे जिले में रखा गया है क्योंकि आगरमालवा जिले से बाहर जो मजदूरी करने वाले हैं वो लोग मतलब अधिक संख्या में आगरमालवा जिले में आए हैं तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने बहुत सख्ती के साथ में सभी का चेकअप और परीक्षण किया गया है। ये बताएं कि वो आपने सारी चीजें बताई वहाँ कुछ मंडी भी होगी वहाँ अनाज मंडी होगी क्या वहाँ किसान कुछ आने लगे हैं उनकी या सब्जी मंडी होगी वहाँ किसान आने लगे हैं। जी मैं बताना चाहूंगा कि आगर मालवा जिले में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा संतरे का उत्पादन ज्यादा होता है यहाँ पर इस बार जैसे संतरे की फसल आई उसके बाद में लॉकडाउन किया गया लॉकडाउन तो जो संतरे के बगीचे हैं जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख के जो बगीचे जो बाहर से व्यापारी ने आके यहाँ पर खरीद लिए गए थे तो वो व्यापारी बगीचे छोड़कर चले गए जिससे किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान आगरमालवा जिले में हुआ है। उसके बाद अगर सब्जी मंडी की बात की जाए तो आगर और
सोया सुसनेर के आसपास के किसान जो किसान साथी है वो भारी मात्रा में सब्जी का उत्पादन भी करते हैं, लेकिन उनको सब्जी मार्केट में लाने में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आगर जिले के आसपास की अगर बात की जाए तो सभी जिले की सीमाएं सील की गई है। तो क्या ये सड़ रहा, क्या संतरा सड़ रहा, सब्जियां सड़ रही? संतरे की अगर बात की जाए तो संतरे सर अभी यहाँ पर 10-12 रुपए किलो में ही बिका गया है, यानी किसानों का जो यानी लॉकडाउन जो किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा संतरे यानी बाहर जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं और यहाँ से दिल्ली भी जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, और यहाँ के किसान यहाँ पर 70% किसान संतरे की ही इस बार जो फसल थी वो जो बगीचे के जो उनको लाखों और करोड़ों रुपए जो मिलने वाले थे वही संतरे का ये संतरा उनको जो व्यापारी है उनको किस रेट पे बेचते थे और आप क्या रेट पे चल रहा है वहाँ? सर ये सबसे बड़ी बात है कि जो संतरा पहले 20-25 रुपए किलो में खरीदा गया था, लॉकडाउन के बाद में वही संतरा 8-10-12 रुपए किलो में खरीदा गया, और आज अगर वर्तमान की बात करें तो वही संतरा 15-20 रुपए किलो में खरीदा जा रहा है, यानी किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। इसी के बीच में बेमौसम बारिश हुई थी, बेमौसम बारिश में संतरा की जो फसल है वो पौधे से नीचे गिर गई, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी ओर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से कोई किसानों को राहत राशि नहीं दी गई। कोई गंभीर बात है, बहुत ही किसानों के लिए लोगों को सवाल करने के लिए। हिंदू तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय आप गुस्सा निकाल रहे थे किसी चीज को लेकर कि वहां पर जो अधिकारी हैं वो कुछ ज्यादा ही अधिकार जमा रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे थे आप? सर मैं यही दीपक मैं यही बताना चाह रहा था कि जो आदमी आज 20 से 25 दिनों से वहां पे दिन रात मेहनत कर रहा है उसके ऊपर अधिकारियों का प्रेशर किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। अगर अभी तो हमने नगर निगम की बात कर ली जाती है, पुलिस में जिस प्रकार से आज एक जो चेतन राठौर ने है जिस प्रकार से अपने आप को गोली मार ली वो भी कहीं ना कहीं इसी डिप्रेशन में आया था। पुलिस के 13 पुलिसकर्मी अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है तो उसी प्रकार से देखा जाए तो अभी तक इसमें भी पुलिस में भी अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन अधिकारियों का जो बड़े अधिकारियों का जो आदेश होते हैं या किसी प्रकार की कोई छोटी गलती होने पर या कुछ जरासिक मिस्टेक होने पर उनको बुरी तरीके से झटका दिया जाता है या उन्हें डांटा जाता है या उनकी जो मेहनत वो करते हैं। एक बात बता रहे थे आपने कहा था कि अब जोनल जेडो बांटेंगे, अभी तक कौन बांट रहा था खाना, अब जेडो के अधीन किया गया? सर अभी तक जिस प्रकार से खाना जो किचन के लोग थे जो किचन के जो कुछ जैसे कुछ जो एनजीओ थे कुछ प्राइवेट लोग थे जो अपने हिसाब से खाना ले जा रहे थे और जो जहां तक नगर निगम नहीं पहुंच पा रही थी वहां तक खाना बांट रहे थे और जोनल अधिकारियों के बस आदेशित हुआ करता था कि आदेश वो देते थे किचन को कि किसको कितनी पर्चियां दे कितना खाना पहुंचाना है, लेकिन जो कल आदेश हुए हैं उस हिसाब से जिस प्रकार से आर एस राठौर का जो कहना है कि जो जोनल अधिकारी है अब वो खुद आए यहां पे किचन पे और खाना लेके जाएंगे और वही बांटे। लेकिन सर देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से जोनल अधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो जोनल अधिकारी आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे नगर निगम का खाना नहीं पहुंच पा रहा है या जोनल अधिकारी खुद घरों से निकल नहीं रहे हैं सिर्फ आदेश दे रहे हैं और वो जब फील्ड में नहीं निकलते तो कहां से खाना वितरण कर पाएंगे। अभी तक जो भी कागज आता था वो किचन से वो भेज देते थे और अपने हिसाब से वो फोटो और उसके कागजी कार्रवाई करते थे कि आप हमें फोटो खींच के भेजें, ये किचन के जो अधिकारी है वो अपने पास मंगवाते थे। लेकिन कल राठौर साहब जिस प्रकार से वहां पे नाराजगी दिखाई उनका ये कहना है कि पूरे भोपाल में या क्षेत्र में खाना नहीं बच पा रहा है इसलिए जेडो देखेंगे, लेकिन सर जेडो जब निकल ही नहीं रहे तो वो किस प्रकार से खाना बटेंगे अब ये तो नगर निगम ही बताएगा। सर बिल्कुल नगर निगम है तो नगर निगम से आप ही तो हैं, आप बताएंगे नगर निगम की स्थिति। सर ये आज बिल्कुल इस पे नजर रखिएगा कि आज किस तरह से खाना बटता है, इसके पहले जो आपने नजर रखी थी स्वराज किचन के माध्यम से भी खाना जा रहा है तो आप ये जरूर नजर रख के बताएंगे कि क्या स्थिति बनती है, किस तरह से खाना बटता है नहीं बटता है आज। हाँ कि जो कह रहे हैं वो बाकी हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाकी स्वराज किचन का भी सर जान लेते हैं कि आज स्वराज किचन में क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आज स्वराज किचन में हम लोगों ने जिस प्रकार से हमारा एक कहते हैं कि हम स्वराज किचन के हिसाब से जो करते हैं जहां तक हमारे पास फोन आते हैं आज जिस प्रकार से हमारे पास संजय स्वराज किचन पे फिर से लेंगे हमारे साथ योगेश सोनी जुड़ गए हैं रहली से हैं और गोपाल भार्गव जी रहली के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है योगेश, क्या स्थिति है रहली की? आप लगता है भार्गव जी के घर के सामने ही खड़े हैं। सर मैं रहली से बात कर रहा हूँ, रहली में फिलहाल सक्रिय है और कोरोना संक्रमित संदिग्ध एक भी मरीज यहाँ पर नहीं मिला है, यहाँ तक कि
कि सैंपल लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। यह जरूर है बाहर से जो मजदूर वर्ग के लोग ऐसे करीब 50 लोगों को होम क्वारंटाइन पर रखा गया है और लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको एक महत्वपूर्ण बात जरूर बताना चाहेंगे कि सागर जिले सहित पूरे विकास खंड रहली में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवा का वितरण किया जा रहा है। इसमें 56,000 परिवारों को दवा वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है और करीब 8,000 परिवारों को अब तक दवा वितरित की जा चुकी है। सर आपने दवा ग्रहण की? जी सर, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में दवा का वितरण चल रहा है, अभी नगरी क्षेत्रों में बाद में किया जाए। अरे आप तो पत्रकार आदमी, आपको तो मिल जानी चाहिए, अब सबसे पहले लेनी चाहिए। शासन के जो निर्देश है उसका पालन हो रहा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुत से दूर गांव है जो मुख्यालय से, पहले वहां पर वितरण किया जा रहा है। योगेश जी, कौन वितरण कर रहा है? सरकारी तौर पे हो रहा है कि कोई निजी संस्था वितरित कर रही है? अरे शासन द्वारा की जा रही है, शासन द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है और इसमें प्रशिक्षित टीम जिस पर गाँव के रोजगार सहायक सचिव आशा कार्यकर्ता ANM ये सभी मिलकर गांव में परिवार में जाकर उनके लिए दवा वितरण कर रही है और उन्हें उनके खाने के लिए नियम भी बता रही है। बिल्कुल योगेश जी, ये जरूर बताइएगा दवा कौन सी है जो पूरे विश्व में इस तरह से नहीं बचित हुई, वैसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो दवा है, ये जरूर एक बार बताइएगा। बाद में उस दवा का नाम अगर अभी आपको मालूम हो तो बता दे, नहीं फिर बाद में हम आपसे जानकारी लेकर दर्शकों को देंगे।